तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इसके आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। नेक्स्ट में करना क्या है, हम लोग को फोटो को शेयर कर लेना पिक्सार्ट ऐप में। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट से, ये फोटो को शेयर कर लिया हूँ मैं पिक्सार्ट ऐप में, देख सकते हो। फोटो को शेयर करने के बाद करना क्या, फोटो को थोड़ा सा रिटचिंग करने के लिए यहाँ से चल जाना है इफेक्ट टूल पे, VNW पे, VNW का फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग को फेड को कुछ इतना रख लेना 0। और इरेजर टूल पे जाके यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे क्लर हो जाएगा। फिर यहाँ से डन करके बैक में हो जाना। अब चलना फिर से इफेक्ट पे, एफएक्स पे सबसे लास्ट ड्रैग करके चल जाना, हम लोग को मिल जाएगा विग्नेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। विग्नेट पे और एक बार क्लिक करने के बाद साइज को फुल कर लेना है, फेड को कुछ इतना रख लेना है और यहाँ 70 के आसपास, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना। अब करना क्या है, टूल्स पे जाके एडजस्ट में चल जाना है, यहाँ से ब्राइटनेस को हल्का कम कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का कम कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है, क्लियरिटी को भी बढ़ा लेना है, सेचुरेशन को डाउन कर लेना, और यहाँ से जा करके हाईलाइट्स को भी कम कर लेना है। इरेजर टूल पे जाके बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है और यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। यहाँ से डन करके बैक होने के बाद करना क्या है, स्क्रॉल अप करके चल जाना हम लोग को ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस हम लोग को एक लाइक का PNG मिल जाएगा, उसको ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। इसको कुछ इस साइड पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। इस साइड पे अच्छे से लगाने के बाद करना क्या है, फिर से स्क्रीन पर किधर पर टाइप करके चल जाना, फिर से ऐड फोटो पे, और एक हम लोग को लाइट का PNG मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। और कुछ इतना हम लोग को करने के बाद करना क्या है, इरेजर के ऊपर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से मूव डाउन कर लेना है, और आप चाहो तो कुछ इतना जूम कर सकते हो। फिर इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है और कुछ इस टाइप से हम लोग को फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और ऑब्सिडियो को कुछ इतना कम कर लेना है। ऑब्सिडियो को कम करने के बाद करना क्या, स्क्रॉल अप करके चल जाना ब्लेंड में, यहाँ से आप चाहो तो स्क्रीन भी रख सकते हो, तो स्क्रीन रखना तो कुछ इस तरह का फेस दिखेगा हम लोग का। और यहाँ से मैं चाहो तो यहाँ से ओवरले या ऐड भी कर सकते हो, ऐड कर लेना। यहाँ से ऑब्सिडियो को हल्का सा कम कर लेना है कुछ इतना, स्क्रीन पे किधर भी टैप करके फिर से डन होके बैक हो जाना। फिर से चल जाना हमको ऐड फोटो पे, और एक PNG हम लोग को मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा, और इसको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। यहाँ से स्क्रॉल अप करके चल जाना हमको ब्लेंड में, यहाँ से स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है हमको कुछ इस तरह से, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना। अब करना क्या है, फिर से हम लोग को इसकी ऐड फोटो पे चल जाना है, और एक पार्टिकल का PNG मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा, और कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है। और यहाँ से हम लोग चल जाना है ब्लेंड में, और यहाँ से स्क्रीन इरेजर पे, इरेज पे, और यहाँ से फेस के ऊपर से इरेज कर लेना हम लोग को, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना है, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना। देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है फोटो। तो फोटो में थोड़ा सा रिटचिंग करने के लिए चल जाना है हम लोग को इफेक्ट पे, और यहाँ से सैम्पल पे सबसे लास्ट ट्रैक कर लेना है, यहाँ मिल जाएगा हम लोग को सैचुरेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से हल्का सा सैचुरेशन को कम कर लेना है कुछ इतना, यहाँ से डन करके बैक हो सकता है। देख सकते हो क्या मस्त लग रहा फोटो। फिर से चल जाना टूल्स पे, एडजस्ट पे, हल्का सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है हल्का, क्लियरिटी को बढ़ा लेना है, सैचुरेशन को भी बढ़ा लेना है हल्का, हाईलाइट को भी, हाईलाइट को कम कर लेना, शैडो को भी कम कर लेना है, टेम्परेचर को ब्लू टोन में रख के यहाँ से डन कर सकते हो। देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है फोटो। फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, इसको लॉक करके चल जाना डॉट टूल वाले सेक्शन पे, 3 डॉट पे सेव इमेज, फोटो हो जाएगा सेव। कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, और चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे रख देना है डेली इस वीडियो का कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस।